हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एलसीएम फाइंड आउट करना बाय डिवीजन मेथड 34 एंड 2 का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे 34, यहाँ पे लिखेंगे कॉमा और यहाँ पे लिखेंगे 2, और अब इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स जब भी स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना, हम लोग लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर तो इन दोनों नंबर में से एक नंबर भी 2 से डिवाइड होता है तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो ये भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, मुझे कैसे पता? क्योंकि देखें ये रूल होता है चेक करने के लिए। ये तो नंबर पता चल रहा है, ठीक है। कोई और कम्प्लेक्स नंबर अगर आपने को नहीं पता चल रहा तो क्या रूल होता है चेक करने के लिए? ये रूल होता है किसी भी नंबर का लास्ट डेट अगर 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, इसका क्या मतलब है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 34 का लास्ट डिजिट जो है 4 है इनमें से, है ना, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। और ये तो हमें वैसे भी पता है, 2 के टेबल में 2 आता है, तो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। ये दोनों नंबर ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 के टेबल में 34 आता है 17 टाइम्स, ठीक है। आपको डायरेक्टली पता तो ठीक है, नहीं पता तो इस तरह सॉल्व कर लिया करेंगे कि 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। 3 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में 3 से छोटा 2 ही आता है, तो आप इसे कट करके 2 बना लें, ठीक है। तो 2 के टेबल में हमने इसे कट करके 2 बना लिया, अब हमने 2 को सॉल्व करना है। 2 के टेबल में 2 आता है 1000। हमने जब 3 को कट किया और इसको 2 बनाया तो इसका 1 जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये बन गया 14, ठीक है। और अब हम 14 को सॉल्व करेंगे, 2 के टेबल में 14 आ गया 7000। तो इस तरह आप सॉल्व कर लिया करें। डायरेक्टली पता है तो ठीक है, फिर आप कटिंग ना करें, ठीक है। करनी भी तो पेंसिल से कर लें, तो अगर आप टेस्ट या उसमें कर रहे हैं पेपर में तो फिर बाद में आप रेज कर दें, ठीक है। अच्छा जी, अब 2 के टेबल में 2 आता है 1000। हम अगेन यहाँ पे 2 ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे 2 नहीं ले सकते। 2 के टेबल में जो है 17 नहीं आता, और रूल के अकॉर्डिंग भी चेक करें तो 17 का लास्ट डेट 7 है इनमें से, नहीं है, तो ये नंबर तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से हो सकता है, नहीं, ये 3 से भी नहीं होगा, ये 5 से भी नहीं होगा, ये 7 से भी नहीं होगा। आपको पता है 17 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन सा होता है जो कि सिर्फ अपने टेबल में ही आता है और किसी के टेबल में नहीं आता? तो हम यहाँ पे 17 ही ले लेंगे। 17 आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 34 एंड 2 इज इक्वल टू, इसके जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय, क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 17 लिखेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई का साइन है तो मुझे से थोड़ा सा ख़राब हो गया था। अच्छा जी, यहाँ पे 17 लिखना है, 1 और 7, और अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 17 2 ज़र कितना होता है, 2 17 ज़र, या 17 2 ज़र कर लें, जो भी कर लें, तो क्या आता है, 34 आता है। तो हम क्या कहेंगे, एलसीएम क्या आया, 34 और 2 का 34 ही आ गया, ठीक है। तो ये एलसीएम फाइंड आउट करने का मेथड है डिवीजन, ठीक है, बाय डिवीजन मेथड है। तो अगर हम एलसीएम बात करें एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है, देखें। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि करने तो प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट हैं, लेकिन अलग अलग नंबर्स के। इसमें क्या किया था, दोनों नंबर्स को इस तरह लिखा था, सेंटर में कॉमा और प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे। इसमें अलग अलग नंबर से करेंगे, पहले इसके, देन इसके, फिर जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनको इस तरह लिखते हैं, फिर जो कॉमन आ रहा है उनको भी एक एक दफ़ा लिखें, जो नॉन कॉमन है उनको भी लिखना है, लिखने के बाद मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, अगर आप एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं 34 और 2 का बाय डिवीजन मेथड नहीं बल्कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड से करें तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। आप करके देख लें, पहले 34 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें, देन 2 का तो एक ही आ जाएगा, 2 ही, ठीक है। तो आप फिर जो कॉमन है उनको लिखें, जो नॉन कॉमन है उनको भी लिखें, लिखने के बाद मल्टीप्लाई करके आंसर चेक करें, आपके पास यही आ जाएगा, ठीक है, समझ आए। तो अगर आपके पास वैल्यू सेम है, क्वेश्चन सेम है, फिर आप एलसीएम का कोई भी मेथड वो जो है फॉलो करें, मतलब एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लें, बाय डिवीजन मेथड कर लें, या एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल मेथड कर लें, सेम आंसर ही आएगा अगर वैल्यू सेम है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, आप करके भी देखें खुद, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा 34 ही आंसर आएगा इस मेथड के थ्रू भी। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।